ग्रेजुएशन की परीक्षा में नकल करने से मना करने पर मुजफ्फरपुर में छात्रों ने परीक्षा केंद्र को तहस नहस कर दिया। पूरे कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया और रोकने आए शिक्षकों को भी खदेड़ डाला। घटना बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के नितेश्वर महाविद्यालय की है। मौके पर पहुंचे कई थानों की पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं कॉलेज के शिक्षकों ने आगे से परीक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया है। प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि एलएस कॉलेज के छात्रों की पार्ट टू की परीक्षा थी। जांच के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में छात्र चिट पूजा से नकल कर रहे हैं। रोकने के लिए 12 छात्रों की कॉपियां जैसे ही छीनी गई, छात्रों ने परीक्षा छोड़कर हंगामा शुरू कर दिया। उग्र छात्रों ने कॉलेज परिसर में लगी कई गाड़ियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं जैसे ही विभिन्न कमरों में निरीक्षण किया गया तो बच्चे चोरी करते हुए पाए गए, और इसी क्रम में जब उनसे कॉपी ले लिया गया तो बच्चे उपद्रव करने लगे और कहने लगे कि हमको चोरी करने की पूरी इजाज़त दी जाए, नहीं तो हम लोग परीक्षा होने नहीं देंगे। और इसी क्रम में ये सारा हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ और मूल रूप से चोरी करने की इजाज़त मांगी जा रही थी। क्या कुछ लॉस हो गया सर? जहाँ तक हम देख रहे हैं उसमें बेंच डेस्क तोड़ा गया है, गमलों को तोड़ दिया गया है, शीशा तोड़ दिया गया है, सीसीटीवी जितने थे इंस्टॉल सारे सीसीटीवी को तोड़ दिया गया है, गाड़ी कुछ शिक्षकों की गाड़ी खड़ी थी उसको तोड़ दिया गया है। नुकसान तो बहुत है। हमारे यहाँ नैक भी होने वाला था, जिसकी वजह से हमने रिक्वेस्ट किया था विश्वविद्यालय प्रशासन से कि हमारे यहाँ सेंटर न दिया जाए, उसके बावजूद भी एलएस के कॉलेज का ही सेंटर दिया गया। इसलिए एग्जाम के दौरान फोर्स वगैरह थे यहाँ पे? फोर्स बाद में आई थी, दरअसल मजिस्ट्रेट साहब की प्रतिनियुक्ति तो थी लेकिन उन्होंने सुबह में भी थाना को खबर किया था लेकिन फोर्स विधिवत नहीं आ पाई थी। मौके पर तैनात नगर थाना अध्यक्ष ने कहा है कि कॉलेज की ओर से शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं लिए हैं? कैसे कुछ संभाला गया? कैसे भीड़ था आगे संभाला गया, लोग गए हैं। क्या इशू था बच्चों का? अब एग्जाम में कुछ लोगों का इशू है, लोगों का कहना है कड़ाई ज्यादा है बस। अब ज्यादा जानकारी हमको नहीं है, इसके लिए कॉलेज प्रबंधन नहीं बताएगा, एकदम मामला शांत है। वहीं परीक्षा कार्य में लगे शिक्षकों ने सुरक्षा के कारणों से फिलहाल परीक्षा लेने से इनकार कर दिया। शिक्षक को खदेड़ रहे थे और ऊपर से नीचे तक सारा कुछ तोड़ रहे थे। कुछ टीचर तो हम लोग पीछे जा करके छिप गए, इस तरह की स्थिति हो गई थी। तो इस स्थिति में परीक्षा लेना हम लोग के लिए संभव नहीं है, और जब तक प्रशासन हम लोग को पूर्ण सही ढंग से नहीं मिलेगा तब तक हम लोग परीक्षा लेने में समर्थ हम निरीक्षण कार्य नहीं कर सकते। छात्रों की ऐसी करतूत वाकई शर्मसार करने वाली है। ऐसे में उदंडता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।